अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं मौजूद हूं सरगोधा शहर की होलसेल मार्केट में। यहां से आज हम दुकान के लिए ख़रीदारी करेंगे। सुबह सुबह का वक्त है, यहां पर काफ़ी सारी दुकानें हैं जो वो बंद पड़ी हैं, लेकिन जिस दुकान पे मैं जा रहा हूं वो इंशाल्लाह ओपन होगी। तो आए चलते हैं और साथ साथ आपको विज़िट भी करवाते हैं। जी दोस्तों, अभी हम एक शॉप में पहुंच गए हैं जहां पर लेडीज़ के पहनने वाले आम चप्पल यानी कि पियो सोल की बेशुमार किस्म की वैरायटीज़ मौजूद हैं। जो जो डिज़ाइन मुझे पसंद आएंगे वो मैं साइट पे कर लूँगा। ये होलसेल की दुकान है, यहां पर ज़्यादातर दुकानदार ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। यहां पर एक डिज़ाइन के आपको कम से कम 6 जोड़े लेने पड़ेंगे। लेडीज़ के ये तमाम डिज़ाइन जो पड़े हैं ये मैंने ख़रीद लिए हैं। अब आगे चलते हैं और मर्दाना डिज़ाइन चेक करते हैं। अभी नेक्स्ट हम एक और दुकान पे आ गए हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो डिज़ाइन मौजूद हैं वो फैंसी हैं। अभी इनको चेक करते हैं और इनमें से जो डिज़ाइन हमें पसंद आएंगे वो हम ख़रीद लेंगे। इस शॉप के अंदर लेडीज़ के फैंसी शूज़ मौजूद हैं जो शादी ब्याह में लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा मर्दाना गाम मोज़ा और बच्चों के स्कूल शूज़ भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो जी प्यारे दोस्तों, शूज़ की ख़रीदारी मैंने कर ली है, अब आगे चलते हैं किसी और दुकान पर। हमारे प्यारे दोस्त जो हैं वो लाहौर की गलियों की बात करते हैं। यहाँ पर जो सरगोधा की गली है इसको देखें, ये लाहौर की गलियों से भी ज़्यादा तंग है। अभी मैं जिस मार्केट में पहुँच चुका हूँ, यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी और कॉस्मेटिक का हर किस्म का सामान मिल जाता है। अभी मैं जिस दुकान में खड़ा हूँ ये असल में बच्चों के टॉयस की दुकान है। ये भी होलसेलर हैं और यहाँ पर आपको 10 रुपए की चीज़ भी मिल जाएगी
और 10,000 तक भी मिल जाएगी। अगर आप अपने बच्चों के लिए या फिर दुकान के लिए अच्छे और मेयारी खिलौने लेने चाहते हैं तो MM टॉयज सरगोधा में लाजमी जाएं, यहाँ पर आपको मुनासिब कीमत में अच्छे खिलौने मिल जाएंगे। मैंने जो ख़रीदारी करनी थी वो मैंने कर ली है, मेरा जो सामान है वो पैक हो रहा है। अभी मैं बाहर चलता हूँ और मज़ीद मार्केट का विज़िट आपको करवाता हूँ। सब गए की रेट है। इसको क्या है? सरगोधा में हाफिज़ सोडा वाटर वालों का बहुत ज़्यादा नाम सुना है। कुछ दिन पहले मैंने YouTube पर एक वीडियो भी देखी, तो आए चलते हैं और इनका ख़ास फलूदा आइसक्रीम टेस्ट करते हैं। फलूदा आइसक्रीम देखने में जितनी सिंपल लेकिन खाने में उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार थी। आप जब भी सरगोधा में आएँ तो हाफिज़ सोडा वाटर वालों के पास एक दफ़ा ज़रूर आएँ। आइसक्रीम खाने के बाद आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि बाबा जी चस आ गई है। तो जी दोस्तों, गाड़ी में सामान हमने लोड कर लिया है और ये था हमारा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह अभी हम निकलने लगे हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।